अरे अभी हम दिखा रहे कैसे लाया दूर गए आप लोग। पीछे से खींचो पापा, इधर तो ठीक है जहाँ पे डब्बी दिखाई, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से नीचे से। अब बाज भाई बढ़ते हुए राइट साइड वाली पतंग, पेच जो है पुरवाई के कोने पे चल रहा है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं पेच अब्बास भाई वाले फ्लैट से। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अंदर की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं, अब्बास भाई बाहर निकाल रहे हैं राइट साइड वाली पतंग। इसने करीब कराया, इन्होंने लंघाया वापस हटाया, अब देखना है पेच फंसा है कि नहीं। पेच नहीं फंसा, पता नहीं, नहीं फंसा है। ठीक है अंदर, हल्की अंदर की पतंग लग रही है अब्बास भाई की मुझे, देखते हैं। पेच की रेंज 350 मीटर से ज़्यादा है, चलिए उसने रखा अंदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा। अब्बास भाई ने पट किया, उसने करीब कराया, चलिए अब पतंग लांग गई, झटके लगा रहे हैं दोनों पे लिया और बाहर के चक्कर जैसे ही खाई वैसे ही कटी पतंग। उनकी पतंग में हवा बहुत अच्छी लग रही थी। आइए दोस्तों आरिफ सर का पेच देखते हैं, बहुत दिनों बाद। बीच में बहुत सारे पेच इन्होंने काटे, कई सारे, मैं मौजूद नहीं था। आइए दोस्तों आरिफ सर का पेच देख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बहुत ही अच्छे पेच दिखाते हैं। बहुत टाइम बाद, लगभग 4 से 5 महीने बाद यहाँ आए हैं अब्बास भाई के यहाँ। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से अंदर की तरफ जगह बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा बड़ हो गई है आरिफ भाई की पतंग, वो अंदर चलते चले जा रहे हैं। डोर फेंका है, डोर फेंका है, ठीक है आरिफ भाई ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से ध्यान से समझना है, आरिफ भाई की पतंग बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऊंचा किया आरिफ भाई ने। उसने बाहर का गद्दा शो, उसने बाहर का गद्दा शो किया है और अंदर वो आता हुआ। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से ऊंचा किया, और ऊंचा किया आरिफ भाई ने, कहीं सद्दी से ना चले जाए। और ये मुझे लग रहा है सद्दी से कट गए हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ है आरिफ भाई की पतंग। देखिए कैसे पतंग जा रही है, ये देखिए कैसे जा रही है, एकदम सद्दी से कट गई। आए दोस्तों ये पेज अब देखते हैं, पिछला देखा आपने बहुत ज़्यादा सद्दी से कट गए आरिफ भाई। लेफ्ट साइड वाली पतंग फिर से ऊपर से, और नीचे से इस बार आए हैं हमारे फैसल भाई। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग अंदर की तरफ जा रहे, फैसल भाई बाहर निकाल रहे हैं, उसने लंघाया, इन्होंने चक्कर लिए, फिर अंदर खींच रहा है। फैसल भाई ने और ताकत से बाहर खींचा, ओहो फो, कन्ने कट गए, कन्ने कट गए उसके, कमाल का पेच काटा है यहाँ पे, वो देखिए। अम्मा डे कटे हमारे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं वो भी, बढ़िया बढ़िया अभी 2-3 पेच काट दिए थे। आए दोस्तों ये पेज देखते हैं आरिफ भाई का, हमारे यहीं से लड़ा रहे, बढ़िया चश्मा उश्मा लगा के पतंग को चला रहे बढ़िया। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, और राइट नीचे अंदर रेड कलर की पतंग है। पेज की रेंज मेरे पास से 350 से ज़्यादा है मीटर पे। चलिए उसमें गद्दा रखा, इन्होंने बल दिया, पट कर रहे हैं अंदर की तरफ, उसने बाहर का गद्दा शो किया, इन्होंने पट कर लिया, वो और अंदर लेके आ रहा है, गद्दा रखा, इन्होंने डोरों पे रख लिया है, ताकत से उसने डबल पे उठाया, झटके लगाए थे पट पे लेकिन लगी नहीं। बड़ हो गई है, यहाँ से देखते हैं अंदर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा बाहर निकाला आरिफ भाई ने, बाहर निकाल रहे, वो अंदर लेके जा रहे हैं। उसने गद्दा रखा है, इन्होंने जो हल्के बलों पे रखा है, और गद्दा मारा, नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, ये ध्यान समझना है। चलिए उसने फिर गद्दा रखा, ये अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, बलों पे रखा, उसने बाहर का गद्दा शो किया, इन्होंने झटके लगाए, ताकत से झटके लगाते चले जा रहे हैं, कट गए।
उसने आखिरी में रोक लिया, अच्छा पेस लड़ा दिया ऊपर वाले खिलाड़ी ने। आइए दोस्तों ये पेस नीचे से देखेंगे हम। मनीष जी की पतंग देखिए राइट साइड नीचे चलते चले जा रहे हैं, अपोनेंट रखा, अपोनेंट जो है वो लेफ्ट साइड ऊपर वाली पतंग है। अभी तक अच्छे पेच ओपोनेंट की तरफ से काटे गए हैं। चलिए गद्दा रखा, मनीष जी ने बाहर दिखाई, रोकी, अंदर के झटके लगाए, वो भी झटके लगाते हुए उठ रहा है और ये ताकत से झटके ऊपर के उठते मुड्ढे पे लगाए और उनका झोल कट गया। ये पोका का बच्चा है बता रहा, पोका है सब कुछ। आइए दोस्तों अब अब्बास भाई का पेस देखते हैं हम लोग, गालियों को नज़रअंदाज करें। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग जो अभी है वो नीचे से जाएगी और जो राइट साइड है वो अभी ऊपर से आएगी, अभी पेज फेरे नहीं गए हैं। चलिए ठीक है, हल्के हल्के हाथों से, हवा बहुत अच्छी चल रही, संडे का दिन है आज, पूरे लखनऊ में पतंग उड़ रही है, हर तरफ उड़ रही है, मैदान भी छत भी सब भरा हुआ है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अब ऊपर वाली जो चक्कर खा रही है वो ऊपर से है, नीचे अब्बास भाई हल्के हल्के हाथों से फेर रहे हैं पेच, अंदर की तरफ बढ़ता हुआ ओपोनेंट, अब्बास भाई ताकत से अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। उसने रखा, अब्बास भाई ने पट किया, उसने और गद्दा तेज रखा, अब्बास भाई ने ताकत से मारा, पतंग बाहर की तरफ निकल रही हो, अब उसने रोक के बाहर खींचा है, अब्बास भाई खींचते चले जा रहे हैं, वो काटा गजब जबरदस्त ये पेच था। बुड्ढा बाहर निकलता चला जा रहा था, उसने एक बल दिया और ताकत से बाहर खींचने लगा था, मतलब अंदर ला रहा था, अब्बास भाई ने बाहर चपटा खींच के बढ़िया पेच काटा। जल्दी से अब्बास भाई का एक और पेच देखेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, राइट साइड वाली पतंग देखिए, अब्बास भाई की पेच की रेंज 400 मीटर, उसने रखा, उन्होंने चक्कर दिया, ताकत से खींचा है बागर, उसने डबल पे खींचा, वो थपक रहा था और ये पेच कट गए, उसकी पतंग इधर उधर हो गई ऐसा लगा, जब वो थपकी मार रहा था तो थपेड़े में चली गई, इन्होंने पत्ता खींचने की कोशिश की थी, उसने डबल पे थपका ऐसा कहेंगे। आइए पिंटू भाई का पेस देखते हैं हम लोग आगे चल के। चलिए नीचे नीचे बढ़ते हुए पिंटू भाई लेफ्ट साइड नीचे से ऊपर से ओपोनेंट, इस तरह से हवा है, बार बार नीचे का पेज हम लोग को मिल रहा है क्योंकि कोने की हवा है पुरवाई और एक ही छत से गेम हो रहा है, इसलिए बार बार ओपोनेंट को ऊपर का पेज मिल रहा है और हमें नीचे का, हमें मतलब मैं इधर खड़ा हूँ लेफ्ट साइड, अंदर आते हुए पिंटू भाई लेफ्ट साइड, उसने गद्दा रखा, इन्होंने पट किया, वो और अंदर लेके आ रहा है, पिंटू भाई बाहर निकाले, चक्कर दिए, वो और अंदर बढ़ता चला जा रहा है, पिंटू भाई क्या करेंगे, हल्का बाहर निकाला, उसने रखा गद्दा, बहुत ताकत से रखता चला जा रहा है, इन्होंने पट किया, फिर मुड्ढा बदला, गद्दा मारा है, ये पिंटू भाई ने लंघाया, अंदर के बल रखे, वो बढ़िया पेच कमाल का पेच काटा है, ये बहुत रील बांध के लड़ा रहे थे पेच, क्योंकि पिंटू भाई की पतंग बहुत ज़्यादा बढ़ के लांगी थी और उनका जो वही है कि कम कट गया, इस बार पतंग पास नहीं हुई ओपोनेंट की। चलिए अगला पेच देखेंगे एक बार फिर से पिंटू भाई का, हमारे नीचे का पेच ही रहेगा, अभी दोनों पतंगे अपने अपने खाने में हैं। चलिए पेच की रेंज 400 मीटर से ज़्यादा दूर, लेफ्ट साइड वाली पतंग अंदर की तरफ जा रही है, जो पिंटू भाई की पतंग दिख रही है आपको कहाँ है, पतंग है कहाँ यार, ये उसने गद्दा रखा, इन्होंने फिर लंगाया, फिर अंदर के बल रखे,
बढ़िया पतंग पास करेंगे। उसकी पतंग तेज पास हो रही है भैया, सही से पास करो। बढ़िया पेज फंसा हुआ और ये पतंग कटी, जैसा मैंने कहा पतंग तेज पास हो रही थी ओपोनेंट की, बल दोनों के ही अच्छे थे। जब भी पतंग फंसता है तो ये देखा जाता है पतंग पास किसकी हो रही है, जिसे कहते हैं कि डोर लेना, कई लोग लखनऊ में डोर पीना भी कहते हैं। बहुत सारी पतंगें होती है जो डोर पीती है, यानी तेजी से आगे चलती है। बढ़िया पेच काटा है ओपोनेंट, बहुत दिनों से खींच वाले पेच आपको दिखा रहा था, आज फंसने वाले पेच। देखिए पिंटू भाई की पतंग देखिए, आपको राइट साइड नीचे नीचे दिख रही है, पेच की रेंज है 450 मीटर के करीब, बहुत अच्छी रेंज चल रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, हल्के हल्के हाथों से नीचे उतरते हुए पिंटू भाई चक्कर देके बाहर निकाल रहे हैं। राइट साइड पिंटू भाई की, अंदर जाते हुए नीचे से हैं पिंटू भाई, ठीक है। और करीब करा है, वो भी करीब करा रहा है, करीब मतलब पतंग को पास लाना, उसने पट करके अंदर उतारा और गद्दा रखा। पिंटू भाई ने अंदर की तरफ ऊँचा कर लिया देख के, और बढ़िया पेच काटा है पिंटू भाई ने। ये आइए सचिन का पेज देख रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से सचिन ऊपर से ओपोनेंट, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, माफ कीजिए लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, राइट साइड नीचे सचिन है, देखते हैं सचिन। ये देखिए सचिन हमारा, ऊंचा कर रहा सचिन, हवा कम लग रही है उनकी पतंग में, बिल्कुल सीधी हवा लग रही है और इनको कोनी कराना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आज पेच कटे हैं, वजह बहुत सारी होती है। चलिए करीब करा, ऊंचा कर रहा है सचिन, वो उसमें थपकते हुए उठा रहे हैं, थपक रहे हैं, इसने अंदर के बल रखे हैं, डबल हो चुकी है, ठीक है। देखते हैं अब सचिन की पतंग लेफ्ट साइड है जो कि नीचे से पूरी लांग गई है, पेच है पेच है, और आखिरी में सचिन नहीं पेच काटा है। आए दोस्तों आज चांद भाई का पेच देखते, चांद भाई लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर वाली काले बादलों में अंदर की तरफ बढ़ता हुआ ओपोनेंट, नीचे से हमारे चांद भाई है, वो रख रहा है ये अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, अंदर मतलब ओपोनेंट की तरफ लेके जाना, उसने रखा, इन्होंने बाहर किया, गद्दा मार दिया उसने, पट ताकत से मारा है और बढ़िया पेच काटा है हमारे चांद भाई, जबरदस्त। आइए एक और पेज देखते हैं हमारे चांद भाई का, नीचे का पेज फेरेंगे, ये देखिए नीचे नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर से आ रहा है, ओपोनेंट की पतंग देखिए लेफ्ट साइड ऊपर से, ऊंचा कर रहे हैं चांद भाई, ऊंचा किए हुए उसने गद्दा रखा, इन्होंने पट मारा है क्रॉस और झटके लगाए अंदर के बल रख के, वो और अंदर उतर रहा है, डोर ना छू जाए, उसने गद्दा रखा, पूरी पतंग उसकी लांगी, वो अंदर की तरफ झटके लगा रहा है, चांद भाई बाहर ही खींच रहे हैं, वो अंदर झटकते चला जा रहा है, वो देखते हैं क्या होता है, डोर आई नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे, नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है, फिर से एक बार पेच होगा, चलिए देखते हैं, फिर से पेच फेर रहे हैं तेज हाथों से। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अभी नीचे जो है,
चलिए देखते हैं इस पेज को, अंदर की तरफ फेर रहा है ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से अंदर की तरफ लेके आ रहा है, वो पट कर रहे हैं थोड़ा, उसने गद्दा रखा, श्याम भाई ने ताकत से बाहर खींचा है, उसने पतंग रोकी, वो डबल की तरह खींचा, इन्होंने पट मारा ताकत से और कट गए। जब तक पट मारा तब तक झोल ऊपर जा रहा था, तभी इसकी वजह से कट गए, पतंग हल्की थी। सूरज जो है सन बादलों के पीछे जो है छुपे हुए हैं, कितना बढ़िया नज़ारा है, उस गैप से रोशनी आ रही है, वाह, नेचर से बड़ी कोई चीज़ नहीं। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, आरिफ भाई का एक पतंग ऊपर जा रही है, ध्यान से देखिए पतंग ऊपर जा रही है, पतंग हटाइए, एक पतंग ये देखिए यहाँ जा रही है, अब फेरिए निकल गई। चलिए दोस्तों आरिफ भाई का पेज देख रहे हैं हमारे, आरिफ जी जो हैं वो गोल्डी के उस्ताद हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, आपको जानकारी दे दूं। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से अंदर की तरफ आता हुआ आरिफ भाई अंदर की तरफ लेके जा रहे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पतंग, देखते हैं कैसे करीब करा रहे हैं, लेफ्ट साइड उसने अंदर उतारा ताकत से, इन्होंने डोर फेंका, अंदर के झटके लगाए हैं, क्या होगा, नहीं ओहो बढ़िया पेज बना लिया था, थोड़ा झोल रह गया था, यानी पतंग का जो धागा था वो हल्के में था, नहीं तो अंदर के झटके लगा रहे थे, काटना चाहिए था ये पेज इनको, काटा ओपोनेंट ने है, सारे कबूतरों को बाहर निकाला गया है। आइए इनके अंडे बच्चे दिखा रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये देखिए दोस्तों प्यारे प्यारे कबूतर, इनके अंडे बच्चे भी हैं, मेरे मेरे साथ बना दो भाई, कान भाई कह रहे हैं मेरे साथ, मेरे कबूतर हैं ये कहिए, अच्छा मुझे लगा आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे ये देखिए, ये भी बच्चे हैं उसके, ये देखिए अंडे हैं, ये सब ये भी अंडे हैं दो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखो तो छोटा वाला भी हमारे आसिफ भाई कुछ बताने जा रहे हैं, ये देखिए वाह ये कालू के बच्चे हैं, क्या बात है बढ़िया, ये हमारे लखनऊ की नस्ल है, अच्छा हाँ कबूतरों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है हमें, आपको तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे है ये दोनों बच्चे काले, हाँ ये हमारे लखनऊ की नस्ल के काले बच्चे हैं, अच्छा मतलब ये लखनऊ कबूतर, हाँ, लखनऊ कबूतर है ये काले, ये और ये खास ब्रीड के कबूतर है, अच्छा ये एक स्पेशल ब्रीड है, हाँ हाँ, ये हमारे अब्बास भाई को उनके दोस्त हैं मंटू भाई, मंटू भाई में रहते हैं, अच्छा अच्छा, उनके भाई फला भाई ने गिफ्ट किए थे ये काले, इनके माँ बाप काले हैं, हाँ उन्हीं के बच्चे हैं, क्या बात है, वहाँ देखिए बहुत सारे कबूतर, पतंगबाजी के साथ ही बहुत ही ज़्यादा कबूतरबाजी भी होती है लखनऊ में, मेन खेलों में समझ लीजिए, यहाँ पे ये सेंधों के बच्चे, सेंधा कबूतर की नस्ल होती है ये, अच्छा, हमारे लखनऊ की नस्ल है, अच्छा अच्छा, ये सेंधे हैं, ये देखिए दो बच्चे हैं ये भी सेंधों के, ये भी मंटू भाई के भाई फला भाई ने बाबा को गिफ्ट करे थे, इसके माँ बाप इन्हीं के बच्चे हैं, ये बहुत रियर नस्ल है, ये बहुत रियर नस्ल है, ये और अच्छी ब्रीड है, ये कबूतर की जानकारी देते हो हमारे आसिफ भाई, अंडा खराब हो गया बाल भाई, अंडा खराब हो गया, ये अभी हुआ था 3-4 दिन पहले, ये भाई उसी का बच्चा है, ये इसका कालू, हाँ कालू, ये उसकी माँ है, अच्छा ये उसका बाप है, वो रहा, हाँ काला दूरा बना हुआ ये दोनों एक ये एक ये उन्हीं के बच्चे आप अभी देख रहे हैं, इसके पैरों में बाल है, इसके पामोस, अच्छा चलिए कबूतरों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, ये पामोस है, इंग्लिश कबूतर है ये, बहुत प्यारा, इधर से आ रहे सब, आ,
हाँ सही कह रहे हैं, ये बहुत इसके देखिए पायल लगी है ये देखिए कितना नजर ना लग जाए कहीं, ये भी पायल पहने भाग रहे। आए दोस्तों ये पेस देखते हैं नीचे नीचे बढ़ते हुए, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड पतंग देखिए करीब करा रहा, इन्होंने पतंग चलाया और चलाया बाहर की तरफ दिखाया, उसकी पतंग बढ़ है बस यही देखना है, लगाने की कोशिश इन्होंने जल्दी पट कर लिया, फिर वो अंदर की तरफ आ रहा है तो ऊपर अड़ा रहे हैं हमारे। चलिए लेफ्ट साइड ऊंचा करो, चलिए लेफ्ट साइड ऊपर से देखिए रख रहा है, इन्होंने पट कर लिया, ऊंचा कर रहे हैं झोल मिल जाएगा देखते हैं, और ये पेस था कट गए हैं हमारे टोपू महमूद नाम है इनका। आइए दोस्तों एक और पेस देखते हैं, अब्बास भाई का पतंग देखिए राइट साइड नीचे से काले बादलों में, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से अंदर रख रहा है, अब्बास भाई अंदर लेके जा रहे पतंग, उसने बाहर निकाली, अब्बास भाई ने पतंग चलाया अंदर खींच रहे हैं, रोकी पत्ता खींचा अब्बास भाई ने ताकत से कट गए, उसने पतंग रोक ली, तले ऊपर गेम बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल पीछे खिलाड़ी खड़ा है, इसका फ़ायदा उठाया अंदर के बल रख लिए, पत्ता खींच नहीं पाया, रगड़ गई डोर इनकी ओपोनेंट के पतंग मांझे में। नीचे से चांद भाई राइट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से ओपोनेंट लेफ्ट साइड, चांद भाई ने पट किया वो करीब करा रहे हैं, चांद भाई पट करते चले आ रहे हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से ध्यान से समझना है, लेफ्ट साइड ऊपर अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं ओपोनेंट, अंदर बढ़े हुए चांद भाई, उसने रखा गद्दा, इन्होंने पट पे रोका, राइट साइड नीचे से अंदर की तरफ जगह बनाते जा रहे, वो उठा रहा है पतंग अपनी, उठाते चला जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और शेयर करिएगा। एक बात और जानकारी दे दे, किसी भी दुकानदार अगर कोई मांझा बना रहा है अपना, कह रहा है ये मेरा ब्लॉग है, तो वो मांझा मत लिया करिए, जो नॉर्मल मांझे उड़ते हैं खिलाड़ी लड़ाते हैं वही लिया करिए, गुमनाम मांझे मत लीजिएगा, ऐसा नहीं कि वो ख़राब होगा, बस उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, हो सकता है उस दुकानदार का उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो आजकल ये भी सुनने में आता है वो अपना ब्रांड ऐसे बेचते हैं कि ब्रांड मांझा को कहते हैं ये बेकार है ये मेरा वाला ले लो, तो वो नहीं लीजिएगा। बाहर की तरफ खींच रहे चांद भाई, उसने चक्करों पे रोका, अंदर की तरफ उतारा, चांद भाई ने हल्के बल दिए, बाहर की थपकी लगाई और उसने भी थपकी लगाई है, पट पे थपकते चले यार, उसने रोका है पतंग, देखना है क्या होता है अब देखना है क्या होता, बढ़े यहाँ पेच हो गया है, अच्छा पेच काटा है यहाँ पे चांद भाई ने। आइए दोस्तों जल्दी से एक और पेज देखते हैं, चांद भाई की पतंग राइट साइड नीचे से देखे, लेफ्ट साइड अंदर बढ़ता चला जा रहा है ओपोनेंट, चांद भाई ने पतंग को बाहर निकाला, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से बाहर की तरफ कर रहा है, वो अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, करीब किया ओपोनेंट ने, ऊंचा किया चांद भाई ने पतंग को चलाया, पट पे खींच रहे हैं क्रॉस, रोकी पतंग अंदर की तरफ, ताकत से खींचा उसने भी, गद्दा ताकत से मार के काट दिया, जब तक ताकत भरते ओपोनेंट ने ताकत से गद्दा मारा, बढ़िया पेज बना लिया था चांद भाई ने लेकिन कट गए। आए दोस्तों मुस्तफा भाई का हमारे पेज देख रहे हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से ओपोनेंट है, अंदर की तरफ बढ़ते चले, राइट साइड नीचे से, नहीं अभी अभी पेज फेरे नहीं गए, सॉरी चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से मुस्तफा नीचे पट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड ऊपर अंदर की तरफ आ रहे हैं, मुस्तफा बाहर निकाल रहे हैं, आज पेच वैसे इतने सही क्यों नहीं लड़े, क्योंकि तले ऊपर का गेम आ गया, एक ही बिल्डिंग से समझिए एक तरफ की हवा हो गई, ऊंचा खींचते चले जा रहे हैं मुस्तफ़ा, वो पैरेलल ऊपर संगत से ऊपर खींच रहे थे, अब वापस लेके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर इन्होंने पट किया और अंदर लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा मुस्तफ़ा ने बाहर निकाला, उन्होंने करीब कराया, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर बाहर निकाल रहे हैं, मुस्तफ़ा अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, इन्होंने अंदर रखा पट कर रहे हैं, ये गद्दा पड़ा था कसे मुस्तफ़ा ने खड़ा खींच लिया है और ये कट जाएंगे, ये वाला पेज नहीं लगा सकते हैं, बढ़िया पेज गद्दा मारते हुए ओपोनेंट लगातार।
आइए दोस्तों एक और पेज देख लेते हैं। आरिफ भाई इस बार पेज लेने आए हैं। आज इनका दिन सही रहा नहीं, वैसे तो बहुत बढ़िया पेज लड़ाया, इन दिनों में आया नहीं, 4-5 महीनों से सुनने में आता था। 3-7 लगातार काट रहे हैं, 8 काट रहे हैं, बहुत काटे आरिफ भाई ने। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, नीचे से आरिफ भाई पतंग को चक्कर दे रहे, बाहर निकाल रहे। बाहर निकालने का मतलब है अपनी तरफ अगर हम पतंग को लाएंगे तो उसे बाहर निकालना कहते हैं, और ओपोनेंट की तरफ पतंग लेके जाना यानी अंदर। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, ये देखिए बाहर निकाल रहा है लेफ्ट साइड वाली, करीब करा रहे हैं, करीब करा रहे हैं, लंघा रहे हैं। उन्होंने ताकत से बाहर खींचा है, अंदर के बल रखे थे लेकिन हल्के बल थे, इसलिए बढ़िया पेच काटा ओपोनेंट ने लगातार। आइए दोस्तों मुन्नू भाई का पेच देखते हैं। अभी पेच फेरा नहीं गया, तो वही मैं बता रहा था आपसे कि कोशिश करिए कि जो चलन में मांझे है सिर्फ वही उड़ाइए। कोई भी कहे कि ये मेरे मैंने बनवाया है, अपना मटेरियल डलवाया है, ब्रांड मांझे क्या होते हैं मत लो, तो कहीं ना कहीं वो अपने मांझे को आगे रखता है, तो ऐसा मत करिएगा, वो मांझा लीजिएगा नहीं। चलन में मांझे कौन कौन से हैं आप सब जानते ही हैं, बशीर बेग, हसीन लल्ला, हंटर, बशीर बेग हंटर, निसार रिजवान खान, आज़म अजीम, है ना, गुड्डू पप्पू 777, अयान, ये सब मांझे जो है चलन में रहते हैं। और सम्राट रिजवान अली भाई का कैसे भूल जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त मांझा लड़ रहा है। आमिर का मांझा, ये सब जो खिलाड़ी लड़ाता है वही मांझे यूज़ करिए। कोई कहे कि ये यहाँ नंबर वन है, वो वहाँ नंबर वन है, ऐसे मांझे ही नहीं लीजिए बिल्कुल भी। और ये बहुत सारे मांझे हैं, अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन कोई दुकान से अपना नाम लगा दे, फ़ोटो लगा दे, तो वो मांझा कतई ना लीजिए भाई, क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट है छुपा हुआ, ठीक है। चलिए बाकी अपने सहूलियत के हिसाब से लीजिए, महंगे मांझे भी हैं, सस्ते मांझे भी हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, नीचे से हमारे मुन्नू भाई पतंग को चक्कर देके अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, मांगदार पतंग है, ठीक है, करीब करा रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं मुन्नू भाई छोड़ा पतंग को। और दिल्ली में तो कतई हद ख़त्म कर दिए हैं, डुप्लीकेसी इतनी हो रही है ये ड्रैगन हंटर इन मांझों की कि हम क्या ही बोलें। कुछ शॉपकीपर्स हैं जो सीजनल है लेकिन जेन्युइन लोग हैं, जैसे सैंडी ठाकुर हैं इंडियन काइट्स के, हमारे रियो हैं, विशाल हैं, एक महबूब काइट सेंटर है, ऐसे कई सारे लोग अच्छे लोग हैं वहाँ पे भी, तो उनसे ज़रूर संपर्क करिए, आपको जेन्युइन मटेरियल मिलेगा। मैंने देखा ड्रैगन 8400, मतलब जो डुप्लीकेट है 1500 रुपये में दे रहे हैं, तो ये सब डुप्लीकेट मांझे हैं, महंगे हैं भाई, वो ब्रांड हैं तो महंगे हैं, ज़रूरी नहीं कि वही लीजिए ड्रैगन, लेकिन डुप्लीकेट मत करिए कोई, क्योंकि ये जो नाम है और ये सब बहुत मेहनत से बनता है। कोई भी कारीगर ये नहीं कहता है कि भाई आप ये मेरा मांझा लड़ाओ, है ना, आपकी मर्ज़ी है, आपको लेना है वो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8400 में अभी निंजा बहुत अच्छा लड़ता है, अश्वनी भाई का ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा, वो तो टॉप डिमांड में होता है दिल्ली में। हंटर है, ऐसे बहुत सारे मांझे हैं जिनके मैंने नाम लिए, आप इनसे ज़रूर संपर्क करिए, आपको एक नंबर मटेरियल मिलेगा, डुप्लीकेट मत लीजिए। लेफ्ट साइड ऊपर से करीब कराए, मुन्नू भाई बाहर निकाल रहे हैं, उन्होंने गद्दा रखा, मुन्नू भाई ने लगाया, ताकत से गद्दा मारा, और ये बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे, पट मतलब गद्दा थपक लिया धर के, जैसे ही देखा कि वो डोरों पे रखने वाले थे मुन्नू भाई ने, झोल बना हुआ था जो पीछे था उसको काट दिया। कासिम रजा एक मांझा आता है, वो भी बहुत अच्छा है, तो इस तरह के मांझे लड़ाइए जो खिलाड़ी लड़ाते हैं, ये देखिए सब। आए दोस्तों चांद भाई का पेज देखते हैं हम, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर, ओपोनेंट की चांद भाई ने अंदर की जगह बनाई हुई है, पट कर रहे हैं, देखिए पट मतलब बहुत लोग को तो मालूम चल ही गया होगा, जब नीचे का खिलाड़ी नीचे करता है मुड्ढा तो उसे पट कहते हैं, ऊपर का खिलाड़ी जब नीचे करता है तो उसे कहते हैं गद्दा रखना। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, और रखा उसने, थोड़ा सा बाहर निकाला चांद भाई ने, करीब कराया है, उसने चक्कर दिया, गद्दा पट,
इन्होंने पट मारा है, वो गद्दा मार रहा है, ताका ओए होए, ये भी पेच, हवा का जो थपेड़ा है वो सांस नहीं दे रहा है। हाँ, पतंग गई नहीं, और उनकी पतंग बिल्कुल सीधी है हवा में, और क्योंकि नीचे से लड़ाना पड़ रहा है पेच, तो कोनी करानी पड़ती है, कोनी कराने की वजह से हवा लेफ़्ट साइड भागती है, यही गड़बड़ हो रहा है। देखिए पतंग कैसे लेफ़्ट साइड की तरफ भाग रही है वहाँ पे। बास भाई की पतंग देखिए आपको राइट साइड दिख रही है, लेफ़्ट साइड ऊपर से अंदर की तरफ जगह बना रहा है अपोनेंट, थोड़ा सा बाहर निकाला बास भाई ने। नीचे का, अरे वो दिख रहा है यहाँ से, किधर जाऊँ। हाँ, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, मुझे तो नहीं दिख रही है, सूरज सामने ही है बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा उतार ला रहा है खिलाड़ी ऊपर वाला, ये देखिए एकदम यहाँ आ गए हैं। अब्बास भाई बाहर निकाल रहे, देखते क्या होता है। ऊंचा हो गया पेज, ठीक है, करीब कराया, करीब कराया, ताकत से खींचा है, वो बाहर खींच रहा है, बढ़िया पेज काटा है अब्बास भाई ने, सीधा खड़ा खींच रहे थे, वो बाहर खींचने की गलती करी, बहुत ही शानदार पेज काटा है। आइए दोस्तों एक और पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, अब्बास भाई की पतंग राइट साइड अंदर लगाए हुए हैं, चक्कर लिया, बाहर खींच रहे हैं, उसने बाहर का गद्दा शो किया, इन्होंने पतंग को चक्कर दिया, ताकत से खड़ा खींचा है, बढ़िया पेच लगातार बार बार बगल से निकल रहे हैं अब्बास भाई मेरे, बस कोनी लगेगी तो हम सीधे बेहोश बेहोश। आए दोस्तों दिखाएं खिलाड़ी, देखिए क्या क्या यूज़ करते हैं, ये देखिए, ये है अयान, ये है ड्रैगन, ये कुछ फाइटर करके है, ठीक, ये है कासिम रजा, ये चरखी से मुझे याद है, ये सारे मांझे आप देख सकते हैं, वो देखिए AMR, ठीक है, और ये इदरीस, ठीक है, ये देखिए गुड्डू पप्पू। तो कौन ये सारे मांझे, ऐसे मांझे जो खिलाड़ी लड़ाते हैं, आप वही मांझे लड़ाइए, अननोन कारीगरों के मत लड़ाइए, और कोई दुकानदार ये कहे ये मेरा मांझा है, मैंने बनवाया, ये लड़ा के देखो, तो वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाएगा। तो मैंने आपको दिखा भी दिया है, ये सारे ही मांझे लड़ते हैं। आइए नितिन भाई का पेज देखते हैं नीचे की तरफ से। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर लगी हुई है, इससे पहले अब्बास भाई कट गए, मैं वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है, वो अंदर की तरफ आ रहा है, नितिन भाई भी जगह बना रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, नितिन भाई ने अंदर की जगह बनाई, उसने गद्दा रखा, इन्होंने बाहर की तरफ दिखाया, शो किया, उसने गद्दा चला है, पतंग घूम के अंदर आ रही, पट मारा, ताकत से अंदर की तरफ, वो भी झटक रहा है, बढ़िया पेच काटा है, झटक वटक के पेच ही नहीं मिल रहे थे, क्योंकि तले ऊपर का एक तरह से गेम चल रहा है। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं, पिछला पेज जो है पट पे झटक रहे थे हमारे नितिन भाई, बढ़िया पेच काटा है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अंदर की तरफ फेरता हुआ ऊपर का मेंबर, नीचे की तरफ पतंगें देखिए कितनी उड़ रही है वहाँ, वो देखिए दूर तक है सब, अभी दिखाता हूँ क्लोज करके। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, नितिन भाई अंदर की जगह घेरते चले जा रहे हैं, अब थोड़ा पेस सही लड़ रहे हैं। चलिए हल्के हाथों से उतरता हुआ ओपोनेंट अंदर की तरफ लेके आ रहा है, पतंग को चलाया नितिन भाई ने, थोड़ा बाहर निकाला, वो उसने रखा गद्दा, वो अंदर लेके जा रहे नितिन भाई, ताकत से पट मार रहे थे और रोकी, फिर क्या हुआ, बहुत बढ़िया पेच ये हो गया, बहुत ज़बरदस्त पेच काटा है ओपोनेंट ने। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं, मनीष जी पेच लेने गए नीचे की तरफ से, हर बार नीचे इसलिए ले रहे क्योंकि जो हवा है वो कोनी है पुरवाई की, लेफ्ट साइड जिस तरफ किंग खड़ी है, जिसकी वजह से वो पीछे पड़ रहे हैं, इसलिए वो बार बार ऊपर का पेच ले रहे हैं ओपोनेंट जो है। लेफ्ट साइड वाली पतंग जो चक्कर दे रहे हैं वो मनीष जी की है, पतंग जल्दी फेरे तो काम बने। यहाँ पे पेच फेरे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से करीब करा रहा है, ऊपर से लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, मनीष जी की पतंग देखिए नीचे पट किया उन्होंने। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और शेयर कर दिया करिए भाई, शेयर नहीं करते हैं, मेन वीडियोस में व्यूज़ ही नहीं आते हैं।
लेफ्ट साइड वाली पतंग, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, पट कर रहे हैं। मनीष जी ने पतंग को बाहर किया, करीब कराया, रोका, फिर अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, वो भी अंदर की तरफ लेके आ रहा है, गद्दा रख रहा है वो, ठीक है, करीब किया उसने, हटाया। मनीष जी ने ताकत से ऊपर खींचा, वो संगत में खींचता चला जा रहा है, संगत मतलब पैरेलल। चलिए, उसने गद्दा रखा, गद्दा रखा, अब गद्दा पड़ा, बढ़िया, ये पेच काटा है मनीष जी ने हमारे, नहीं मनीष जी कट गए, गद्दा पड़ गया। आए दोस्तों, गोल्डी का पेस देखते हैं, गोल्डी पतंग नीचे लेके अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड से पहले थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, गद्दा पड़ गया था मनीष जी पे, पतंग ही नहीं दिख रही है, बादल ही ऐसे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, गोल्डी की पतंग नीचे, गोल्डी की पतंग नीचे, देखिए राइट साइड अंदर की तरफ बढ़ते हुए गोल्डी, वो चक्कर दिया, उसने गद्दा रखा, गोल्डी ने पतंग को अंदर दिखाया, फिर बाहर खींचे रहे, रोकी पतंग, अंदर ताकत से खींचा है बहुत, वो झटके लगा और ये छू गए गोल्डी, और गोल्डी कट गए, बढ़िया पेज, कोशिश तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आखिरी में उसने बलों पे रख लिया और इनकी पतंग छू गई, बढ़िया पेज काटा ओपोनेंट ने। ये सारे भाई लोग हैं आज ओपोनेंट, सब बढ़िया खिलाड़ी हैं। आइए दोस्तों, एक और पेज देखते हैं। नीचे से पिंटू भाई अपनी पतंग को लिए हुए चक्कर दे रहे हैं, देखिए अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, अंदर मतलब ओपोनेंट की तरफ बढ़ना, देखिए अंदर बढ़ रहे हैं, वो भी अब अंदर लेके आ रहा है, उसने रखा गद्दा, इन्होंने पट किया अंदर की तरफ, थोड़ी पतंग बाहर की है पिंटू भाई की, उसकी भी पतंग बाहर की है, अंदर की है, गद्दा रखा, वो करीब करा रहा है, देखिए कैसे धीरे धीरे करके आ रहा था, उसकी पतंग अंदर की है और पिंटू भाई की पतंग बाहर की है, अंदर बाहर का भी कॉन्सेप्ट वही है, अगर मेरी तरफ पतंग घूम के आ रही है तो बाहर की, ओपोनेंट की तरफ पतंग घूम के जा रही है तो अंदर की, लेफ्ट साइड वाली पतंग, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, पिंटू भाई ने बाहर दिखा, वो अंदर गद्दा रखा, ये पट मार रहे हैं, रोकी पतंग ताकत से खींचा, उसने ताकत से गद्दा मारा और बढ़िया पेच ये हुआ, ज़बरदस्त ये पेच हुआ, सारे मुद्दे देखने को मिल गए इसी पेच में। आइए दोस्तों, ऊपर वाले खिलाड़ी ने अब तक 4-5 पेच काट दिए हैं, गोल्डी आए हैं एक बार फिर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, गोल्डी की पतंग देखिए नीचे, अंदर की तरफ बढ़ते हुए गोल्डी, बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं, सभी जानते ही हैं लगभग, जो मतलब चैनल देखते हैं मेरा। रखा गद्दा, गोल्डी ने क्रॉस पे खाली कराया, उसने रखा गद्दा और हटाया पतंग उसने, लेफ्ट साइड उसने मतलब लेफ्ट साइड, क्योंकि मैं खड़ा हूँ किंग की तरफ, अभी तो खैर बीटो बीच ही खड़ा हूँ, लेफ्ट साइड ऊपर से रखता हुआ ओपोनेंट, ये इन्होंने पट किया अंदर, हल्के हल्के हाथों से ऊपर करते चले जा रहे गोल्डी, और अंदर बढ़ते हुए, अब कम पड़ जाएगी कहीं गोल्डी की पतंग, चलिए गद्दा उसने रखा, रोकी पतंग ताकत से अंदर खींचा है, देखते हैं क्या हो रहा है, पतंग पेच हो ही नहीं रहे, होंगे कि नहीं देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, पेच देखना है होते हैं कि नहीं, पेच नहीं है, पतंग लांग गई थी मेरे ख्याल, लांग ही नहीं थी मतलब हट गई थी, फिर से कोशिश होती हुई, चलिए ये गोल्डी की पतंग है, ओपोनेंट की पतंग यहाँ है, फिर से कोशिश पूरी की थी दोनों ने, चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से, गोल्डी की पतंग नीचे, उसने गद्दा रखा, इन्होंने क्रॉस पट बाहर की तरह की पतंग, फिर अंदर खींच रहे, अब ताकत से रोक के अंदर ताकत से खींचते, उन्होंने थपकी दिया, बहुत अच्छा पेज लड़ाया है ओपोनेंट ने, अगर गोल्डी छूटे तो कटते, फिर रखा गद्दा, फिर उन्होंने क्रॉस किया, फिर गद्दा चला, अब तो पेज है, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है, और ये कट गई, ये हो गई बराबर, लेकिन गोल्डी ने फिलहाल रोक लिया है। आइए दोस्तों, इस पेज को समझते हैं, मनीष जी की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड नीचे से, राइट साइड नीचे से,
और लेफ्ट साइड बिल्कुल देखिए ऊपर ओपोनेंट की अंदर की तरफ जगह बनाया हुआ है। मनीष जी पेपर के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे अपने समय के, अब तो सीनियर खिलाड़ियों में आते हैं। लेफ्ट साइड ऊपर से ओपोनेंट मनीष सर नीचे करीब कराया, उसने गद्दा रखा, इन्होंने चक्कर दिया, ताकत से खींच रहे, वो डबल पे उठा रहा है, ठीक है, पेज फंसे हैं, उसने अंदर के बल रखे हैं, उसकी पतंग बड़ी है भारी है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पेच नहीं है, फिर से होंगे कोशिश, पेच नहीं है, अंदर की तरफ जगह बनाते हुए मनीष सर, ओपोनेंट की पतंग लेफ्ट साइड, पतंग भारी भरकम पार किया है इस बार ओपोनेंट ने, फंसना नहीं चाहिए, बाहर की तरफ खींच रहे मनीष जी, उन्होंने चक्कर पे रखा और खींचा बाहर, कत्ता मारा है ताकत से और अच्छी जगह पे, ये देखे मैंने कहा उनसे फंसेंगे तो कटेंगे, भारी भरकम पतंग है, पतंग बहुत तेज़ी से पास हुई उनकी पतंग, और इनकी बहुत ज़्यादा ऊंची हुई जिसकी वजह से पास नहीं हो पाई, गई नहीं आगे। आइए मुन्ना भाई का पेज देखते हैं, इससे पहले मनीष जी हमारे कटे हैं, पतंग कटे, हल्के हल्के हाथों से, कहाँ यहाँ, मुन्ना भाई नीचे से जाएंगे, ये देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, अभी पेच फिरे नहीं है, अब आ है, फिरने का मतलब एक दूसरे के पाले में आना, और फिर से हवा जो है थपेड़े में आ रही है, यानी लेफ्ट साइड और भागती चली जा रही है, जिस तरफ किंग के मेंबर खड़े हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, कौन लड़ा रहा है, अच्छा चांद भाई लड़ा रहे हैं हमारे, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से अंदर की तरफ जगह, चांद भाई ने बाहर खींचा करीब किया और हटाया उसने, फिर अंदर की तरफ चांद भाई जगह बना रहे हैं, उसने रखा गद्दा, इन्होंने थोड़ा पट किया अंदर का, हवा बहुत अच्छी चल रही है इस समय, चलिए और रखा उसने, पतंग भारी है उनकी, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, ध्यान से समझिए, करीब कराया बाहर का गद्दा किया, ये पट कर रहे, और ये देखिए भारी पतंग से अगर ऐसे लड़ाएंगे तो कटेंगे, करीब करा के लड़ाएंगे तो कट जाएंगे, मतलब भारी पतंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं, कि हवा देखिए कैसे चल रही है, ये देखिए सरसराती हुई हवाएं चल रही हैं, बढ़िया वाली, मुन्ना भाई का पेज हमारे देखते हैं, आइए देखते हैं, अभी पेज फेरे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, अब जो लेफ्ट साइड है ऊपर चक्कर खाती है ओपोनेंट की, वही भारी वाली पतंग, मुन्ना भाई अंदर की तरफ लेके चले जा रहे हैं, पतंग झोलदार है मुन्ना भाई, झोलदार मतलब डोर बहुत पीछे चल रही है, पतंग आगे चल रही है, ऐसे कब होता है जब आप एक तो कन्ना वैसा बांधते हैं आगे की तरफ, या तो पतंग आपकी हल्की हो, जब आगे कन्ना बांध देंगे तो डोर पीछे रहेगी और पतंग आगे, समझ रहे हैं, चलिए समझ जाएंगे, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से बहुत अच्छे पेज लड़ा रहे हैं अभी तक, और ये देखिए क्योंकि पेज फंस रहा था बार बार और ओपोनेंट की पतंग जो है टूट गई और इन्होंने झोल काटा, अगर झोल होता तो काट दिया, आए दोस्तों एक और पेज देखते हैं, इससे पहले वो पेज अच्छा पेज काट रहे थे लेकिन क्योंकि फंसा के लड़ा रहे थे और उनकी भारी पतंग थी तो कहीं ना कहीं घाव लग गया था, उनकी पतंग टूट गई, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से नीचे से मुन्ना भाई, उन्होंने गद्दा रखा, मुन्ना ने अंदर की तरफ ताकत से पट मारा है, रोकी पतंग, गद्दा मार रहे हैं, इन्होंने भी ताकत से खींचा है बाहर, उसने झटके लगाए हैं और ये बढ़िया पेज अपोनेंट ने काटा है, इतना ज़्यादा फटाव नहीं है जिसकी वजह से ये कट गए, उसने डोरों पे रख लिया था उनको और बढ़िया पेज काटा ओपोनेंट, पतंग देखिए कितनी लड़ रही है, संडे का दिन है आज, जितना मैं जूम कर पाऊँ उतना पतंग उड़ रही है यहाँ पे, आज संडे ही तो है ना, हाँ ये हमारे नितिन भाई का पेज दिखाते हैं, नीचे से बढ़ते हुए लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से करीब कराते हुए नितिन भाई, उसने गद्दा रखा, पतंग चलाया,
ताकत से पट मारा है और उसने झटका फिर से और फिर अच्छा पेच काटा है। ये पेस तब होता अच्छा जब डिस्टेंस बिटवीन जो खिलाड़ी है वो कम से कम 40 मीटर का होता है और इस समय डिस्टेंस बिटवीन प्लेयर है मैं बता दूं आपको मात्र 5 कदम का है, यानी एक खिलाड़ी यहाँ है आप समझिए ऐसे, तो दूसरे खिलाड़ी इनके पीछे बिल्कुल यहाँ खड़े हैं, तो सिर्फ इतनी दूरी का फ़र्क है, इतनी दूरी उस दीवार से सिर्फ इस दीवार, यानी 10 कदम भी नहीं है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझिए। आए दोस्तों पोकरी का पेस देखते हैं, पोका हमारा आइए पोका की पतंग लेफ्ट साइड, पतंग की रेंज है 400 मीटर, इससे पहले बढ़िया 2 पेज काटे हैं पोका ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखें नीचे से पोका, ये तीसरा पेज है उसका, हालांकि मैं दिखा रहा हूँ उसका पहला पेज आपके लिए। ओपोनेंट की पतंग लेफ्ट साइड ऊपर, चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से पोका नीचे, पोका अंदर की जगह बनाता हुआ चला जा रहा है। ओपोनेंट की पतंग देखिए यहाँ है लेफ्ट साइड, थोड़ा सा बाहर निकाला पोका ने, पोका मतलब जावेद नाम है, और अंदर की तरफ जगह बना रहा है ओपोनेंट, बहुत ज़्यादा अंदर। चलिए जल्दी जल्दी पेच लड़ाना चाहिए, बहुत टाइम लगाते हैं। चलिए बढ़िया, अब रखते हुए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, पोका की पतंग राइट साइड ऊंचा करते हुए चलाते हुए जा रहा, उन्होंने गद्दा चला रोका पतंग, झटके लगा रहे थे लेकिन हर बार झटके काम नहीं आएंगे, बढ़िया गद्दा मारा। आइए दोस्तों एक और पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से नीचे से, मुस्तफ़ा भाई हमारे लेफ्ट साइड वाले पतंग ऊपर से गद्दा रखते हुए, नहीं पेज अब फेरे जा रहे हैं, सॉरी सॉरी अब पेज फेरे जा रहे हैं, क्या हो रहा है अब नीचे से वो आ रहे हैं लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे, अब ओपोनेंट नीचे है, मुस्तफा भाई बाहर पतंग ताकत से निकालते चले जा रहे, वो अंदर की तरफ बढ़ाते चले जा रहे। मुस्तफा भाई ने गद्दा रखा और गद्दा रखा, करीब किया उसने पट किया, इन्होंने जल्दी से लादा और लाद रहे हैं, हटाया वो अंदर की तरफ पड़ने लगे हैं। मुस्तफा भाई पतंग का मुट्ठा ऊपर लिए हुए हैं, थोड़ा बाहर निकाला वो अंदर की तरफ लेके आ रहे, कोनी बना रहे, ये अंदर रखा ताकत से खींचा है, इन्होंने बाहर खींचा ताकत से खींच ले गए, काम ख़त्म। बहुत बढ़िया पेज काटा है मुस्तफ़ा ने। आइए दोस्तों ये पेज समझते हैं, अब्बास भाई अब आए हैं, इससे पहले मुस्तफ़ा ने बहुत ही अच्छा पेज लड़ाया। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर, सबसे किनारे वाली पतंग को छोड़ दीजिए, बीच वाली पतंग ऊपर से है और राइट साइड वाली पतंग नीचे से अब्बास भाई की, उसने गद्दा रखा, उन्होंने चक्कर दिया, अब्बास भाई ने पट किया, खाली कराया, उसने और गद्दा रखा, इन्होंने थोड़ा सा बाहर निकाला, पूरी पतंग लगाई वो अंदर की तरफ खींच रहे हो, बढ़िया पेच काटा है अपोनेंट ने, जैसे ही मौका मिला तुरंत अंदर हाथ मार दिया दो और झोल कटा, गुब्बारा जिसे कहेंगे अब्बास भाई का। चलिए एक बार फिर से मुस्तफ़ा का पेज देखते हैं, अपने नीचे का पेज लेके आएंगे शायद, नहीं ओपोनेंट नीचे का पेज लेके आ रहा है, लेकिन पेज सही से नहीं बनेंगे क्योंकि ओपोनेंट पीछे खड़ा है, क्योंकि अभी तक बहुत कम पेच लिए हैं इसलिए वो नीचे का पेच ले रहे हैं, एक पतंग यहाँ लिपटा के ले जा रहा है। चलिए ओपोनेंट अंदर की तरफ से आ रहा है, मुस्तफ़ा की पतंग ऊपर राइट साइड, इधर से कौन पेच ले रहा है भाई, अरे वो ऊपर से आ रहा है अब लग रहा है, अरे हो क्या रहा है, ठीक है
नीचे से ही मुस्तफ़ा पेच ले रहे हैं ऊपर से ओपोनेंट आते हुए। चलिए देखते हैं, मुस्तफ़ा नीचे की तरफ से अंदर ताकत से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, वो भी अंदर की तरफ है। अब गद्दा बना के करीब करा रहा है, मुस्तफ़ा अंदर खींच रहे हैं पतंग को, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है। मुस्तफ़ा ने चक्कर दिया, पट किया, ऊँचा किया मुस्तफ़ा ने, उसने गद्दा रखा ताकत से सीधा सीधा खींच रहे, उसने गद्दा रख के डोर पर रखा है। बहुत बढ़िया पीच काटा है मुस्तफ़ा ने, डोरों पे रख लिया था, वो उठ रहे थे झटके उठ के दे के, लेकिन कटे। और यहाँ देखिए आग लग गई है पतंग, तुरंत जैसे ही जाती वैसे ही लिपटती है, इसने लिपटाया, ये किधर लिपटा के ले जा रहा है, यहाँ से भाई हमारे लिपटा रहे, वो देखो। आए दोस्तों, मुस्तफ़ा लगातार पीच लड़ा रहे, ऊपर से ओपोनेंट आते हुए बाहर की तरफ खींच रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, शाम का टाइम हो चुका है, लेफ्ट साइड ऊपर से मुस्तफ़ा अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, पेच वही होते हैं, बस मेन टाइमिंग का खेल है। गद्दा रखा उन्होंने, मुस्तफ़ा ने ताकत से बाहर खींचा है, देखना है, और इस बार गद्दा पड़ गया, ये आई मुस्तफ़ा की पतंग। आइए सचिन का पेच देखेंगे अब, नीचे की तरफ से ओपोनेंट ऊपर की तरफ से, इससे पहले आपने देखा जब गद्दा उन्होंने मारा तो अंदर को पतंग आई थी, बढ़िया पेच काटा था ओपोनेंट ने, और खड़ा खींच गए थे मुस्तफ़ा, यही गड़बड़ थी। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, सचिन की पतंग राइट साइड नीचे, लेफ्ट साइड वाली पतंग, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, सचिन की पतंग राइट साइड चक्कर दे रहा है, वो गद्दा रख रहा है, सचिन ने बाहर की तरफ किया, सचिन थपकी लगा रहे हैं, उनकी पतंग वो कटी, बढ़िया पेच काटा है, ज़्यादा हाथ मार दिया था ऊपर के खिलाड़ी ने, बढ़िया मौसम। एक बार फिर से पतंग सचिन की राइट साइड वाली पट कर रहे हैं, ये क्या हुआ, डोर फेंक दिया था सचिन ने, डोर फेंक दिया था, राइट साइड वाली पतंग नीचे से अंदर की जगह बना रहे, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, इससे पहले बढ़िया पेच काटा था, बाहर की तरफ निकाल रहे, उसने गद्दा रखा, सचिन ने पट मारा अंदर की तरफ से, वो गद्दा मारते चले जा रहे हैं, ताकत से गद्दा मार रहे हैं, झटके लगा रहे हैं, ओए होए सचिन कटे, ओपोनेंट ने बढ़िया पेच काटा, आए दोस्तों एक और पिंडू भाई का पेज देखे, इससे पहले ऊंचा थपक लिया था, वो कम से कट गए, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, एक बार फिर से पतंग को देखे कैसे चला रहा ओपोनेंट, लेफ्ट साइड वाली पतंग गद्दा रखा, उन्होंने पट का किया, थोड़ा खाली कराया, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर, राइट साइड नीचे से बढ़े हुए हैं पिंटू भाई, मैं बीचों बीच लगभग खड़ा हूँ, अंदर की तरफ उतरते हुए पिंटू भाई ने पट किया, वो अंदर की तरफ आ रहे, पिंटू भाई फिर से बाहर निकाल रहे हैं, अंदर की तरफ ला रहे हैं, पिंटू भाई बाहर निकाल रहे हैं, उसने ऊंचा कर लिया, अब पिंटू भाई अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, चक्कर दिया, करीब करा रहा है, अब अंदर लेके आ रहा है, पिंटू भाई फिर बाहर निकाल रहे हैं, उसने गद्दा रखा सीधा सीधा, पिंटू भाई ने बढ़िया पेज इस बार थपकते हुए, एक तरह से डबल की तरह थपक लिया, बढ़िया पेज काटा है,